नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की नई रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं मूंग दाल इस्तेमाल की हूँ और इसे मैं भिगोने के लिए रख दी थी आधे घंटे पहले, जो बिल्कुल फूल करके तैयार हो चुका है और नेल से काटने पर बिल्कुल आराम से कट जा रहा है। तो इसको मैं मिक्सी के जार में रख देती हूँ और पानी से निकाल ली हूँ। थोड़ा सा पानी है जो कि इसमें डाल दी हूँ और इसके साथ मैं कुछ और मटेरियल डालूंगी जो कि आप लोग देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये अलग तरीके से रेसिपी मैं तैयार की हूँ। तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, तो अगर आप लोग नहीं खाते होंगे तो इसे स्किप कर देंगे। और ये अदरक है, तो अदरक का छिलका निकाल करके धो करके और उसे कट कर ली हूँ। और हरी मिर्च, ये जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो इसको मैं अब पहले मैं पेस्ट बना लेती हूँ, यानी कि दरदरा से भी थोड़ा बारीक और बारीक से थोड़ा दरदरा, बीच वाला पोर्शन होना चाहिए इसका। तो ये रहा, मैं दिखाती हूँ कितना होना चाहिए, जो कि ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, ना बिल्कुल बारीक है, एकदम महीन भी नहीं है और दरदरा भी नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके का ही मुझे चाहिए। तो इसे किसी एक बर्तन में निकाल लेते हैं पहले, किसी भी बर्तन में आप निकाल करके रख सकते हैं। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं और इसका आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। अब ये रहा पेस्ट और इसके साथ एक कटोरी दाल था और उस हिसाब से मैं तीन कटोरी आटा डाल रही हूँ। बिल्कुल गेहूं का आटा है, मैदा का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन स्वाद के लिए, और अच्छा भी होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक कलौंजी है, इसको भी डाल देती हूँ। और नमक, नमक बिल्कुल कम रखेंगे। और ये थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये रहा अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर देता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास ना हो घर में उपलब्ध अमचूर पाउडर, तो आप अमचूर पाउडर के जगह पर नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी इस टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको सख्त गूथना है और इसमें पानी का एक भी बूंद ना डालें, जब तक इसको घुमा घुमा करके और मसल मसल करके मिलाते जाएं, जब तक ये पूरे अच्छे तरीके से बाइंड ना हो। अगर ना बाइंड हो तब थोड़ा सा पानी का छिट्टा दे करके तब इसको आटा लगाएं, लेकिन जब तक ये गीला है तब तक आप इसमें एक बूंद भी पानी ना डालें और हाथों से ही इसको मसल मसल करके सिमटते जाएं चारों तरफ से, ताकि ये अपने ही पानी में सिमट जाए और आटा लग जाए। तो इस तरीके से मैं दबा दबा करके इसे ऐसे जहाँ सूखा है वहाँ पर उसको दबाएंगे तो वो बाइंड हो जाएगा। तो जब तक बाइंड ना हो तब तक पानी का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है, लेकिन बहुत हार्ड है तो इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा। तो थोड़ा सा मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ, हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा। अब इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है, बस इतना ही मैं मसल मसल करके इसका आटा तैयार करूँगी। तो ये तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो इसको चारों तरफ से मिला करके और रख देते हैं। और रेड चिली पाउडर डालने पर ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इसको मैं ढक करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो 20 मिनट के बाद ये रहा, और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दी हूँ ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको भी मसल मसल करके तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं लोई निकालूंगी। तो पहले इसको मसल लूँ चारों तरफ से ताकि तेल अच्छे से मिल जाए। तो ये मिला रही हूँ इस तरीके की, जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो अलग तरीके से बन रहा है, जिसे आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग बना पाएंगे। तो वीडियो के स्किप ना करें। और ये तेल मिल चुका है, तो अब इसका मैं लोई बनाती हूँ। और लोई बनाने के लिए आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा कितना बड़ा बनाना पसंद करते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा पत्थर लगाएंगे, यानी कि आटे का डस्टिंग कर लेंगे। और मैं छोटे छोटे हाथों से ही लोई निकाल रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ, हाथों से ही निकाल रही हूँ इसका। तो इस साइज में मैं बना रही हूँ।
तो सभी का मैं लोई निकाल करके और पेरे की तरह इसका बना ली हूँ। तो इसका मैं अब रोटी बेलती हूँ, और रोटी बेल करके फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लिए अभी। तब ये इसमें ये रहा, इसको अब बेलेंगे, चकले पर बेलें या चॉपिंग बोर्ड पर बेलें, इतना ठीक होना चाहिए। और चाहे तो आप ऐसे भी तल सकते हैं, लेकिन मैं एक साइज का रखना चाहती हूँ, उसे देखने में अच्छा लगता है, तो मैं एक ग्लास का इस्तेमाल की हूँ और ग्लास से ही कट कर लेती हूँ इस तरीके से, ऐसे, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो सभी को मैं इसी तरीके से बेल करके मैं तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं पूरी, और ये जो कटिंग की हूँ इसको मैं लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके बेल करके तैयार कर लेती हूँ। तो सबको मैं बेल बेल करके और पूरियों को तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं तलने के तरफ चलूँगी। कढ़ाई में तेल गरम है और एक एक करके डालते जाएंगे। तो ये जब ऊपर आने लगेगा तो थोड़ा चमचे से दबाएंगे नीचे के तरफ, ताकि तेल उस पर आएगा तो वो अच्छे से फूल जाएगा। और ये अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रिस्प होता है, क्योंकि इसमें दाल अंदर नहीं डाला गया है, आटे के साथ ही इसको गूथा गया है। तो इस तरीके से बहुत ही लाजवाब बनता है। अंदर भर करके तो मैं काफ़ी बार बनाई हूँ, आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को मैं नहीं प्रेजेंट कर पाई। तो इस बार सोची कि मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कि आप लोग इसे भी बनाना पसंद करेंगे। तो मैं सभी को पूरियों को इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। दोनों तरफ गोल्डन होना चाहिए, और एक साथ अगर तेल कढ़ाई में ज़्यादा है तो आप 2-4 6 रख सकते हैं, और थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये खिलने लगेगा। कोई कोई नहीं भी खिलता है, क्योंकि इसमें जो मसाले पड़े हैं, कहीं लहसुन कहीं अदरक, अगर उसमें छोटी किसी भी टुकड़ा उसमें पड़ जाता है बेलने में, तो वो नहीं फूल पाता है। तो कुछ नहीं फूला, दो नहीं फूला, दो फूल गया। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे। और ये मैं सभी को इसी तरीके से, मैं सेम प्रोसेस से, और इसको अच्छे से सभी, इतने सारे मेरी पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो रही है। तो आप लोग देखते जाइए, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, स्किप ना करें। और ये रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर बनाएं, बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं, वो काफ़ी खुश हो जाएगा। तो इसे मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्प हुआ है। और ये लास्ट वाला सबसे जो था, मैं उसे बेल करके थोड़ा सा बड़ी पूरी हुई है, तो इसको भी मैं निकाल ली हूँ। और देखिए, इसे मैं दोनों तरफ से दिखा रही हूँ, और एक अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्प है, ये रहा। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होता है। अगर आप लोग बनाएंगे खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसा होता है। तो एक बार बनाइए, फिर एक नई रेसिपी लेकर के मैं जल्द मिलती हूँ आप लोगों से। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो फिर एक नई रेसिपी लेकर के आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरे वीडियो पर पूरा बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।